मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। दर्द तो लगता है मेरी जान ही ले लेगा। अरे हमारे ऐसे नसीब कहाँ। क्या? नहीं मेरा मतलब है कि हमारे नसीब में तो आपका होना ही लिखा है। आप ऐसी बातें ना करें, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा। एक तो ये लड्डू भी पता नहीं कहाँ रह गया है। कब उसे भेजा था मैंने रिपोर्ट्स लेने के लिए, अभी तक नहीं आया। तुम कहाँ रह गए थे? रिपोर्ट्स आ गई, दिखाओ मुझे। वो अरे बताओ ना क्या है रिपोर्ट्स में भाई। कैसे बताऊं कि मम्मी जी को, मम्मी जी को। अरे जल्दी बताओ ना है? तुम तो रिपोर्ट ऐसे सुना रहे हो जैसे किसी रियलिटी शो का रिजल्ट सुना रहे हो। कैसे बताऊं कि मम्मी जी को ब्रेन ट्यूमर है, वो भी आखिरी स्टेज। क्या कह रहे हो यार? लड्डू पानी लेके आओ जल्दी। मम्मी जी। अच्छा जल्दी लेके आओ। मामा उठे। अबे इसमें कहाँ लिखा ब्रेन ट्यूमर? अरे पापा छोड़े वो सब, मामा बेहोश हो गई है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? जाने वाले को कोई रोक सकता है? लड्डू देखो हम नहीं कर सकते, मगर डॉक्टर तो कर सकते हैं ना। मगर उसके लिए मम्मी जी डॉक्टर को दिखाने के लिए तैयार तो हो। ये भी है, और तो और वो मामा ने उनको बुला लिया। वो कौन था वो तारा बाबू टाइप कोई आदमी? तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि मम्मी हुजूर इस तारा बाबा के चक्कर से कब बाहर निकले। हाँ लड्डू आप ना एक काम कीजिए, आप मामा के लिए कोई अच्छा सा डॉक्टर लेकर आइए। तुम फीस की बिल्कुल परवाह मत करना, बस वो डॉक्टर ना घर पे इलाज करे। देखो मैं मामा के लिए ना अपना सारा काम खाली करने के लिए तैयार हूँ, मगर बस मामा को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम देख कहाँ खो गए। अरे ये खोता ही तो नहीं है कमबख्त। अरे ससुर जी क्या दो दिन पहले ही जुम्मे की नमाज पढ़ने की तैयारी कर ली? नहीं बेटा वो मैं रंडवा होने की प्रैक्टिस कर रहा। पापा कैसी बातें कर रही आप? आज उससे पूछो, इसी ने रिपोर्ट पढ़ के सुनाई थी। पापा लड्डू मेरे पास एक प्लान है। हाँ, मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखिए कौन? बाबा हैं हम। हम पापा हैं, वो भी एक लड़की के। बस उस एक लड़की की माँ के इलाज के लिए हम यहाँ तशरीफ लाए। क्या ये आप कैसे जानते हैं भाई? हम तो बहुत कुछ जानते हैं, जैसा कि आपने सुबह के बर्तन अभी तक नहीं धोए। अंदर आ जाओ भाई, कुछ और मुंह से निकल जाए तुम्हारे। आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ भाई उठा रहा हूं। हेलो। हाँ शानी लड्डू बोल रहा हूँ। हेलो लड्डू, अब किसकी भैंस मर गई? ए मरी नहीं, मरने वाली है। अरे तो कोई टेंशन की बात नहीं यार, मरी नहीं है तो हम मार देंगे। अरे नहीं यार, एक बहुत बड़ी दिहाड़ी लाया हूँ। हाँ तू मेरी बात गौर से सुन। मगर भाई तू तो अच्छी तरह जानता है कि मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ। अबे तो लास्ट स्टेज का ट्यूमर कौन सा असली डॉक्टर सही कर देगा हैं? बस आप पैसे बना। मगर ये तो बताओ कि पैसे मिलेंगे कितने? आधे आधे। आधे? ये क्या नोट फाड़ के दोगे मुझे? अबे जितने पैसे मिलेंगे आधे तेरे आधे मेरे, समझा? हाँ हाँ वो तो तुम्हारी चलाकियों का पता है यार। ठीक है तुम बचपन से ऐसे हो, चलो मैं आ रहा हूँ, लेकिन पेट्रोल के पैसे अलग लगेंगे। बस तू आ जा। ओके बाय। अभी जाके बताता हूँ सबको बहुत बड़ा डॉक्टर आ रहा है। ये बैठे बैठे सो गया।
अरे भाई ये सोए नहीं है, ये अगले जहान में जाके मेरा इलाज तलाश कर रहे हैं। बंदा इस जहान में, उसकी बीमारी इस जहान में, और इलाज वहां जाके तलाश कर रहा है। अगड़ा ये शुरू हो गई भाई। बाबा गांव तकिया ले आऊं? एक तो ये शख्स मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बाहर निकाल इसको। पापा अब खफा ना हो, सारा वजीफा मेरा सत्यानाश कर दिया। जाइए। मजाक कर रहा है, मजाक। ओह अब जाइए ना। मैं नहीं जाऊंगा ना गुलाम। मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अकड़ पकड़ बम्बे को 80-90 पूरे 100 ये लेंगे। अभी तक कोई नहीं आया, लगता है बड़ा घर है। एक बार फिर घंटी बजा दो। आपका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं दुनिया में, इस खूबसूरत दोशीजा का इलाज ही डॉक्टर है। जी जी नहीं, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कहीं क्योंकि आपकी जिंदगी में अगर मुझ जैसा हसीन शहजादा आ गया, आपको किसी इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ठीक हो जाएंगे। हटो हटो, ये मरीजा नहीं है। ओहो, मरीजा नहीं है, ये मेरी बीवी है हनी, समझा? हनी, गलती किसी से भी हो सकती है। ये बैग दे, बैग दे मुझे, अंदर चल के मरीजा को देख। तुम चलो अंदर। चलो हनी, चलो 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 चलो। आइए डॉक्टर साहब, आइए। आइए ना पापा। हेलो पापा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कौन है भाई? अब ये वो आई एम वकील। वकील? तुम्हारे हाथ में क्या? हाथ में चश्मा है, ये देखो। चश्मा नहीं भाई, ये जो बाजू पड़वा। ओ ये तो हमारी शान है, कोट। सफेद कोट? लेकिन वकील तो काला कोट पहनते हैं भाई। तो उनके पास एक ही होगा, मेरे पास तो बहुत सारे कोट है, नीला है, पीला है, सफेद भी है। अरे ससुर जी, ये डॉक्टर साहब हैं। हाँ, बहुत बड़ा डॉक्टर। अरे वाह, अपने मुंह मियां मिठू। अब मियां मिठू नहीं, इनका नाम ही बड़े डॉक्टर है ससुर जी। वाओ, व्हाट अ यूनिक नेम। अच्छा है ना, लाओ फिर 1000 रुपए मेरी फीस दे। क्या कर रहे हैं? लाखों का गेम कर रहे हो, 1000 रुपए मांग रहे हैं। क्या करूं यार, वो फीस मांगने की पुरानी आदत है ना, आदत से मजबूर हूं। भाई लड्डू, तो सब ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी मम्मी का इलाज कर लेगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, ये बैंगन कटवा के देखें, ऐसे काटूंगा सीधे सीधे। अरे ससुर जी फिक्र ना करें, मम्मी जी का इलाज हो गया। ठीक हो गई? हो गया इलाज। लो भाई फिर मेरी फीस का है, फीस निकालो। अरे मिसाल समझो ना पापा। हाँ। एक काम करते हैं, हाँ मैंने मामा के पास लेके चलते हैं। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं भाई, अभी नहीं। क्यों? अरे भाई वहाँ तारा बाबा है, उसने मुश्तक को निकाल दिया कमरे से। तारा बाबा? ये क्या मरीजा के वालिद का नाम है? अरे नहीं भाई नहीं, आप लोग यहीं रहे, मैं अभी आता हूँ। अच्छा भाई सही। हाँ भाई, और क्या क्या पका लेती है तुम? ये फिर सो गए क्या? ये पिछले जन्म से जाग रहे हैं। आप क्यों अंदर आ गए? अरे तारा बाबा सोते में वजीफा कर रहे हैं। सोते हुए चहलकदमी तो जरूर सुना था मैंने, कि सोते हुए वजीफा आज पहली बार सुन रहा हूँ। आप बस चुप रहे, आपको नहीं पता बस। भाई अब समझा मैं, क्या वो क्या मरीजा जब इतनी सिगरेट पिएंगी तो बीमार तो होंगी। सिगरेट नहीं पी रहा भाई कोई यहाँ पर, तारा बाबा वजीफा कर रहे हैं। बाबा भाई ये घर है या आस्ताना? अरे भाई हमारी बेगम इन्हें बहुत बड़ा बाबा मानती है। इनको? हाँ इनको, जैसे हर फैमिली के अंदर फैमिली डॉक्टर होता ना, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी फैमिली के अंदर फैमिली बाबा है, तारा बाबा। तो फिर मरीजा कौन है? ये। ओ तो आप हैं मरीजा। डॉक्टर साहब आप बेगम का इलाज शुरू करें बस। इलाज? मैं किसी डॉक्टर से इलाज नहीं करवाऊंगी, मैंने कह दिया बस, मुझे तो बाबा ही ठीक कर सकते हैं। हाँ। अरे खाला जी, महबूब को कदमों में नहीं लाना, बाकायदा आपका इलाज करना है, वो भी खतरनाक बीमारी का। चाहे कुछ भी हो, मुझे किसी डॉक्टर पे भरोसा नहीं है। और फिर तारा बाबा कहते हैं कि सब डॉक्टर जाली होते हैं, जाली। मैं आपको बताऊं, असल में बाबा जाली होते हैं, डॉक्टर नहीं। कौन याद कर रहा है हमको? शुक्र है आप उठ गए, 2 मिनट और सोते रहते ना तो हमें लगता कि आप कोमा में चले गए। बहुत बदतमीज हो भाई, होलिया से तो डॉक्टर लग रहे हो, और तुम होलिया से हमें बच्चा चोर मालूम होते हो। तानी जी, अगर इस फ्रॉडी डॉक्टर को बुलाना था, मेरा टाइम खाम खाब ने वेस्ट किया, इससे अच्छा था कि मैं चांद गाड़ी की सर्विस करा लेता। अरे नहीं नहीं तारा बाबा, आप खफा ना हो,
मैंने नहीं बुलाया इनको। हम बुलाने से नहीं आते, हम लाए जाते। और इन्हें मैं पकड़ के लाया हूँ मम्मी जी का इलाज करवाने के लिए, समझे? पकड़ के लाए कहाँ, चिड़ियाघर से? हाँ चिड़ियाघर से, तुम्हें एतराज है? भाई हमें मुश्तरी से मैसेजेस आ रहे हैं। गुलाम साहब जरा साइड पे चले, आपसे बात करनी है। हम जा रहे हैं, आप अपना काम करो। ठीक है जाइए, आ जाइए सारा बाबा। आप चेकअप करें ना मम्मी जी का। हाँ मम्मी जी जरा आ जाए, कम ऑन मम्मी जी। परे परे पीछे, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सही। अरे बेगम ये क्या हो रहा है? लगता है आपने भी जरूर मॉर्निंग शो के अंदर ना कोई ब्यूटी टिप्स देखा होगा। यार आपको ब्यूटी टिप्स की क्या जरूरत है, आप तो नेचुरली वैसे ही बहुत खूबसूरत है। ये मेरे लिए नहीं है, ये पापा लेकर आए। पापा? फिर तो उनको 4-5 मन मंगवाने चाहिए थे, बिकॉज 10-12 लीमों से तो उनका रंग साफ होगा नहीं। आप गलत समझ रहे हैं, ये चेहरे पे लगाने के लिए नहीं है, वो तारा बाबा है ना उसने मंगवाई है, नहीं किसी खास काम के लिए। खास काम? अच्छा सर आप मुझे 20,000 रुपए तो दीजिए। जी जरा है। हाँ तो मम्मी जी के इलाज के सामने तो जरा ही है ना। क्या मामा के लिए चाहिए? हाँ ना हनी, वो खुदा तर्स डॉक्टर हमारे घर में रहकर मम्मी जी का इलाज करेगा। अब टेस्ट वगैरह करवाने अगर मेरे पास होते तो मैं तो अपने सारे पैसे लगा देता, अब नहीं है तो आपसे ही मांगने पड़ रहे। अच्छा ना तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आप एक काम कीजिए, आप यहीं बैठिए, मैं अभी जाके पैसे लेकर आती हूँ। आप नहीं जाइएगा मत, ठीक है? मैं बस अभी गई, अभी आई, अब जाइएगा मत। हाँ हाँ जरा 30,000 रुपए ले आइएगा। अच्छा मैं बस लेके आती हूँ। पहली किस्त तो हाथ लग गई, ये तो अपने पास रख। अरे ये क्या कर रहा है? चुप करके बैठ गया, ऑपरेशन कर रहा हूँ। ऑपरेशन किस चीज का? एक तो इन घर वालों ने फजूल सवालों का कॉपीराइट लेके रखा हुआ। अरे भाई भूख से मेरी हालत बर्बाद हो रही थी यार, इसने सोचा कि ये जरा नींबू पानी बना के पी जाऊं। तू समझ नहीं रहा, ये तारा बाबा ने मंगवाए थे, सुसर जी जाकर खुद लेकर आए थे। तारा बाबा ने इस पे कुछ पढ़ना था, कुछ काम था उन्हें। उन्होंने एक किताब तो पढ़ी नहीं स्कूल में, लीमू में बैठ के पढ़ेंगे। अरे भाई ये काम के लिए आए थे ना, तो समझ लो मेरे काम आ गए। सही बात है। हाँ। अब ऐसा करो ये सारे छिलके उठाओ। हाँ। और ले जाके किचन में रख दो, बस। हाँ। समझ लेंगे यार कोई जिन भूत आया, वो लीमू पानी पी के चला गया। ठीक है चल थोड़ा डाल। वैसे भी तो बाबा लोग ऐसी बातों में भरोसा करते हैं ना। क्या? हाँ ये लो। बल्कि यार अभी बाद में पहले जाके ये रख के आओ किचन में, जो काम बोला वो करो। ये लो ये सारे रखो। क्या भाई आ रहा है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा। अच्छा ये आपने कहाँ से करवाया था? मुझे भी करवाना है। क्या? मोतिया का ऑपरेशन, उसी के बाद तो आपको साफ नजर आ रहा है ना। बेवकूफ इंसान, ये इल्मे नजूम है, उसकी बात कर रहा हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। आपको लीमू लाने का कहा था, कहाँ है वो? किचन में रखे, अभी लेके आता हूँ, अभी लेके आजो आजो आजो। आपको किसने भेजा यहाँ? कौन आया है? अरे आप तो आंखें मत खोलें वरना अमल सारा उल्टा हो जाएगा। और अगर अमल उल्टा हो गया तो आपके बजाय ये बच्चा चोर मर जाएगा। देखो नेक्स्ट टाइम मुझे बच्चा चोर मत कहना तुम, फिर क्या कहूँ? तारा बाबा जरा आइएगा मेरे पास। आया आया, छोड़ दो उसको, जाओ ना। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? चल हम कर रहे हैं, चल तो तुम रही हो। और यहाँ कुछ चल नहीं रहा, चलने वाला है। क्या? आपकी मम्मी जी का फुल इलाज। मगर डॉक्टर आप तो वो टेस्ट करने वाले थे ना। हाँ टेस्ट करेंगे भाई, वायरे टेस्ट करेंगे, वो क्रिकेट मैच थोड़ी करेंगे। क्या ये कौन सा टेस्ट होता है? अरे ये एक्सरे के बाद की टेक्नोलॉजी है, वाई रे टेस्ट, राइट? ये वाली मशीन निकाल ली मैंने। ये इनके दिमाग का पूरा टेस्ट हो गया। माय गॉड, ओहो, ये खातून तो बहुत सोचती हैं। चलो भाई मुबारक हो, मुबारक हो भाई, हो गया टेस्ट। लड्डू भाई जाके मेरी गाड़ी से इनके रिपोर्ट्स ले आओ। बस मैं यूं ही गया और यूं ही आया। क्या
रिपोर्ट्स और गाड़ी में। अरे भाई ये कोई आम टेस्ट नहीं है, बहुत ही खास टेस्ट है। यहाँ टेस्ट किया वहाँ रिपोर्ट, गाड़ी में बहुत महंगी मशीन है, ऊपर थोड़ी ला सकता हूँ आप लोगों के लिए। तारा बाबा वो क्या हो गया? ये वही हो गया जो अगर आपकी बेगम को हो जाता तो आज आप रेंट में घूम रहे होते। ये इन सारे लीमों पर हमने वजीफ और आपकी बेगम की बीमारी को इन वजीफों के जरिए सारा निचोड़ लिया है। और एक बात, अभी खतरा टला नहीं चला। फिर क्या, ये क्या हो? आप एक काम करें, बाजार जाइए और 3 नींबू, अदरक, लहसुन, प्याज, धनिया, पुदीना, बड़े का गोश्त भी ले आऊं। ईमान से बड़ा दिल चाह रहा है। मैं बिरयानी की बात नहीं कर रहा, मैं ये चीजें इसलिए मंगा रहा हूँ कि मैं इन पे अमल कर सकूं। और एक बात आप गौर से सुन लें, इस दफा कोई गलती मत करना, सारा सामान मेरे हाथ में दे दीजिएगा। जब तक बनने वाले मौजूद हैं, बनाने वाले तो बनाएंगे। ये ले डॉक्टर साहब। भाई ये किसी बच्चे का पैंपर नहीं है जो गंदे तरीके से पकड़ो, सही से पकड़ो। ओहो हो हो हो, तौबा तौबा तौबा, जिसका डर था वही हुआ। क्या हो गया डॉक्टर, रिपोर्ट्स गलत आई है क्या? देख रहे हैं भाई, ये कोई ऐसा आसान काम नहीं है कि यूं देखा खत्म हो गई। बड़ा मेडिकल साइंस है इसमें, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। रुक जाओ। ओहो क्या हुआ? तौबा तौबा तौबा, बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट है भाई। बहुत भी खतरनाक नहीं है, मतलब है खतरनाक। मगर डॉक्टर, कोई ना कोई इलाज तो होगा ना? बिल्कुल इलाज है, जब ही तो हम आए हैं। हम डॉक्टर इसके थोड़ी बन गए, इंसानों के डॉक्टर, हमको जानवरों के डॉक्टर नहीं, जो हमें इलाज ही ना बताओ। इसके इलाज में ऑपरेशन होगा और खर्चा आएगा पूरे 10 से ज्यादा 20 लाख का खर्चा है। ठीक है, आप कर दीजिए और पैसे की बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए। पूरे पैसे भी मिलेंगे क्या? बस जैसे ही आपकी तरफ से चेक मेरे पास आएगा, ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप बस इलाज कीजिए, मैं काम करती हूँ, मैं जाती हूँ, जाके चेक बना के लाके देती हूँ। आप बस मुझे ये बताइए कि ऑपरेशन कब होगा। नहीं नहीं, मैं कोई ऑपरेशन वॉपरेशन नहीं कराऊंगी, बस कह दिया मैंने। आपकी हालत सही नहीं है, आप ज्यादा बोल नहीं सकती। लड्डू भाई, मैडम के लिए ऐसा करो कि ठंडा पानी ले आओ, ताकि इनका गुस्सा थोड़ा ठंडा। यही रहती हैं। अब देखें, पता नहीं कब तक रहती हैं। जी, वो साहब जो उनकी रिपोर्ट लेने आए थे, वो गलती से मिसेस तानिया की रिपोर्ट ले गए। क्या मतलब, वो तानी बेगम की रिपोर्ट नहीं थी? जी हाँ, मिसेस तानिया की रिपोर्ट तो हमारे पास ही है। आपके पास है? तो उनकी तबीयत कैसी है? क्या कह रहे हैं आप? मतलब ये कि तानी बेगम की तबीयत ठीक है? थैंक यू। तो ये जो डॉक्टर और तारा बाबा पैसे के पैसे लिए जा रहे हैं हमसे इलाज के नाम पे, ये लूट रहे हैं हमें, ये सब क्या है? हाँ, अरे लड्डू, अरे हनी। जी पापा। अरे हनी, खुशखबरी। क्या क्या, लोड शेडिंग खत्म हो गई है? अब इतनी बड़ी भी खुशखबरी नहीं है, असल में वो अस्पताल से फोन आया था, वो कह रहे थे कि वो लड्डू मियाँ किसी तानिया बेगम की रिपोर्ट लेके चले गए हैं। असल में एक्सरे रिपोर्ट जो तानी बेगम की हमारी है ना, वो वहीं अस्पताल में रखी है, और हमारी बेगम को कुछ नहीं हुआ। सच में? हाँ। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, मगर पापा वो डॉक्टर किस चीज का इलाज कर रहे हैं? और ये तारा बाबू? हाँ, ये डॉक्टर और ये तारा बाबा। मतलब चल।
जानवरों का डॉक्टर है ये। चुप हो जा भाई, वरना मैं जला के तुझे भस्म कर दूंगा। ओ भाई तू भस्म ना कर, बल्कि थोड़ी सी शर्म कर ले यार। किसी की बीमारी का फायदा उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? काय का शोर है, इतना शोर क्यों हो रहा है भाई? अरे भाई मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो वैसे ही मैं पल दो पल की मेहमान हूँ, ऊपर से ये लोग इतना शोर कर रहे हैं। अरे बेगम आप पल दो पल की मेहमान नहीं है, बल्कि जो मेहमान यहाँ आए हैं ना वो पल दो पल के मेहमान है। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी लैब से फोन आया था मेरे पास कि भाई किसी और तानी बेगम की एक्सरे रिपोर्ट आपके घर चली गई है। आपकी तानी बेगम की एक्सरे रिपोर्ट हमारे पास यहीं पड़ी है। उनको कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मल है, बस साइनस प्रॉब्लम है थोड़ी सी, बाकी ठीक है। क्या? जी बेगम। हाँ लेकिन सुसर जी ऐसा कैसे हो सकता है? और डॉक्टर साहब की एक्स रेस, वाई रेस, जेड रेस, उन सब का क्या? तुम्हारा डॉक्टर मैंने देख लिया लड्डू, और उसकी गाड़ी में एक्सरे वायरे मशीन भी लगी हुई, वो भी देख ली मैंने, और उसकी गाड़ी में इतने थड्डे लगे हुए ये एक्सरे के, वो भी देख लिए। एक विजिटिंग कार्ड पड़ा है, उस पर लिखा हुआ है कि ये सिर्फ डॉक्टर नहीं है बल्कि जानवरों का डॉक्टर है ये, और ये जो रिपोर्टें है ना ये किसी इंसान की नहीं है, जानवरों की है, जानवरों की। जानवरों का डॉक्टर? भाई देखा तारा बाबा का कमाल, ये डॉक्टर तो ढोंगी निकला। भाई मेरे मौकलों ने जिस तरह लेमन के जूस निकाले हैं, बिल्कुल उसी तरह तानी बेगम के सर में से ब्रेन ट्यूमर भी निकाल दिया। अबे चुप कर तारा बाबा ढोंगेबाज, वो जो तेरे छोटे छोटे लिंबू थे ना, उसका मैंने और कद्दू ने, कद्दू नहीं लड्डू, हाँ लड्डू यार, कद्दू लड्डू एक ही बात है, उसका हमने काट के ना लींबू पानी बना के पी लिया, बड़ा आया मोकल मोकल का बच्चा। तारा बाबा जी आपने ऐसा किया? अबे कहाँ गए तारा बाबा? अबे ये तो सच्ची वाला बाबा लग रहा है मुझे। अब तुम दोनों की बारी। लड्डू मैंने तुम्हें कितने सारे पैसे दिए और तुम इसको लेके आ गए, इस जानवर के डॉक्टर को। तुम ये सब कुछ जानते थे ना? कोई और मिला नहीं ना, सब मालूम था इसे। लड्डू बेटे तुम डॉक्टर साहब के साथ जेल जाओगे या अलग से जाओगे? तो सर जी उसकी कितनी सजा होगी? जो भी होगी आधी आधी होगी। आधी आधी नहीं बाबू। बल्कि पूरी। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर का मार के घर का मार, घर का मार के घर का मार।